जब हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में वो काफ़ी अनकॉशियस होने लगी और अजीब तरीके से उसको लाइक चेस्ट में पेन होने लगा। हालांकि सुबह में जाते वक्त वो बता रही थी कि उसके चेस्ट में सेंटर में पेन हो रहा है, हाथ में भी थोड़ा सा दर्द है एंड चलने पे वो पेन बढ़ जाता है। बहुत दिन से वो कंप्लेन ये कर रही थी, बट हमें लगा कि ये नॉर्मल आई मीन्स कभी भी हाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है तो होता है। तो बट कल ये सीवियर हो गया और जब वो कार में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होने लगी तो मैं वहाँ इमिडिएट में नज़दीक के हॉस्पिटल में मैं उनको एडमिट कराया। क्या लग रहा है आपको, ये सारी जो समस्याएं उनके साथ हो रही हैं, जो भी फिजिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे, क्या रीज़न लग रहा है? पहले से कोई सिम्टम्स थे या फिर कोई अचानक से कुछ ही सामने निकल के आई है? देखिए, पहले से कोई भी सिम्टम नहीं थे, क्योंकि मैं जहाँ तक राखी को जानता हूँ, जब बिग बॉस के दौरान हम लोग गए थे तो वो काफ़ी तंदुरुस्त थी एंड ये सारे सिम्टम आए हैं, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं। उसको पर्सनली बहुत तोड़ा गया है, मीन्स जो भी क्लेम की है कि मारपीट भी मेरे साथ हुई है और फिर से उसको शारीरिक और मेंटल हरासमेंट हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें उसके, जैसे लाइक पैसे ले लिए गए हैं, उसकी माँ चली गई, तो ये सारे जो हैं मिलके इफ़ेक्ट किए हैं और इंसान के। और अभी राखी के लाइक मैं काफ़ी कोशिश के बाद राखी को वापस से कुछ ट्रैक पे लाया हूँ और कुछ दिन में वो आप देखा कि आप वो हंस रही थी या कोई भी लाइक चीज़ें नॉर्मल थी, बट अचानक से ये लगता है कि उनका शरीर अभी शायद इफ़ेक्ट हो रहा है ये सारी चीज़ें। राखी का अंदाज़ ऐसा रहा है कि हमेशा जो फैंस रहते हैं, ऐसी खबर आना उनके बीच में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि कोई बिलीव करने को रेडी नहीं है। कभी कई बार हंसी मजाक भी रहता है, कोई बीच में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी स्टंट्स भी हुए हैं जिसके बाद से लोग इसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। पूरे मामले की एक बार जानकारी दीजिए, क्या एक्चुअली कंडीशन है और इशू क्या है? देखिए, अगर पब्लिसिटी स्टंट रहता तो मैं इन्वॉल्व नहीं रहता। मैं अपने लाइक मेरे लिए पब्लिसिटी स्टंट कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज मैं बिग बॉस के बाद भी कभी पब्लिसिटी स्टंट या मैं मीडिया कवरेज पर बिलीव नहीं करता हूँ। बट सिंस चीज़ें बहुत ही वियर्ड थी और लाइक सीवियर थी, जिसके वजह से मुझे आके कहना पड़ा और उनके मैसेंजर के रूप में मुझे आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे फ़ैन, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी परेशान थे और सभी लोगों का फ़ोन आ रहा था बराबर। तो ऑफकोर्स ये सीवियर है, बहुत सारी चीज़ें सीरियस हैं जिसके वजह से हम लोगों को शेयर करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बता देने के बाद वहाँ पे हमें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है राखी रिकवर हो जाए रादर दैन कि कोई पब्लिसिटी करूँ मैं। फाइनेंसिस की भी बात करें तो बहुत शी वॉज नॉट गुड वेल एंड गुड फ्रॉम द पास्ट वन ईयर। यस, तो अभी करेंटली जो सारा ही हॉस्पिटैलिटी जो मैनेज किया जा रहा है, अकोमोडेशन मैनेज किया जा रहा है, हाउ यू गाइस आर लुकिंग ऑन इट? देखिए, अभी फ़िलहाल तो जो भी है मीन्स जैसे एडमिशन वगैरह सब मैंने कराया है, बट अभी फाइनल क्या बिल आता है, फाइनल क्या होगा, मेडिकल कंडीशन क्या होगा, ये तो पता नहीं है। क्योंकि ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि राखी फिनेंशियली वेल नहीं है, उसको तो काफ़ी फाइनेंशियली सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियली उसको चीट किया गया है, उसके सारे पैसे ले लिए गए हैं। तो अब कितना फाइनेंस उसके पास है, क्या है, ये तो अभी बाद की बात है, क्योंकि जब डिस्चार्ज होगी तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स मैं इतना इन शॉर्ट इतना बोलूँगा कि उसके साथ बुरे लोग थे तो कम से कम अच्छे लोग भी हैं जो उसको हमेशा राखी को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उनके साथ एक हैरेसमेंट की जो चीज़ें हुई हो चुकी हैं पास्ट में, क्या रिकवरी के बाद कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे कार्रवाई की जाएगी? आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान दोगे फिर वापस से? जी बिल्कुल, मैं तो मेरा मानना है कि हमें उन चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। इट्स नॉट कि अगर राखी सावंत कोई स्टेटमेंट दे रही है, सभी लाइक वो मजाक मस्ती करती है तो उसका दर्द भी मजाक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दर्द है तो दर्द है, हाँ, सभी राखी सावंत भी एक इंसान है, उसको भी मार पड़ने पर दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होने पर दर्द होता है। क्या एक्शन लेने वाले हैं उनके एक्स स्पाउस के खिलाफ आप लोग? देखिए, अब तो ये तो पहले तो कंफर्म हो जाए कि हम लोग जो जो ये सारा स्टेटमेंट राखी की ओर से होना चाहिए और राखी का राइट्स बनता है किसी पर एक्शन लेने का, क्योंकि ये उसका राइट्स है। ऑफकोर्स राखी जहाँ भी मेरा सपोर्ट मांगेंगी, आई एम ऑलवेज देयर। एंड लास्टली एक बार फैंस एंड व्यूअर्स को अपडेट कर दीजिए कि राखी की स्थिति अभी कैसी है, उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में। देखिए फैंस, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, राखी की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी है। ऑफकोर्स आप लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करें कि राखी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और जल्दी हमारे बीच में हंसते खेलते वापस आ जाए।